जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है रील्स रोस्ट, पाकिस्तानी रील्स आर वियर्ड, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फनी रील्स। हाँ भाई, पाकिस्तान की रील्स देखने जैसी हो गई, कुछ ना कुछ तो फनी होगा ही होगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा दिमाग है नहीं, वो हर लोग जानते हैं। और खास करके ये जो वीडियोज है, ये हमारे एक यूट्यूबर है इंडिया के, जिसका नाम है मिस्टर इंडियन बेकर, उसका एक सेकंड चैनल है MIB चैनल करके, वहां पे सिर्फ रोस्टेड वीडियो डाली जाती है, उस वहां से वीडियो को लिया गया है दोस्तों। तो वहां पे भी जाके आप सपोर्ट कीजिए, साथ में हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और नए वीडियो आपके समक्ष लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रणाम दोस्तों, जय हिंद। कुछ पाकिस्तानी खतरनाक रील्स फिर से देखेंगे। खतरनाक इन द सेंस कि यार, ऐसा कंटेंट, ऐसी रील्स बनाने के लिए सच में जज्बे की जरूरत होती है। जज्बा किधर है? तो जज्बे से भरपूर कुछ मजेदार रील्स देखते हैं। अभी अभी एशिया कप में धोया है इनको, तो शुरुआत हम एशिया कप से ही कर लेते हैं। हालांकि ये एशिया कप की तो नहीं है, लेकिन आपके भाई ने इसको टच दे दिया एशिया कप का। पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं यार ये पाकिस्तानी, एक ही एक तरह की रील्स बनाकर। इसे थोड़ा एडिट करें बैक, अकड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। ये इधर वाला इंडिया, सबसे पहले तो हम रख देते हैं यहां पर एक एशिया कप की ट्रॉफी। चल भाई मिस्टर अमेरिका, तू निकल, अब ये सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रह गया। चला दूं, यस, एशिया कप हमारा। जिसने अब्बू से पंगा लिया वो जलील हुआ। अब्बू से पंगा लोगे तो ऐसे ही होगा ना, जिस जिसने अब्बू को अब्बू से पंगा लिया उस वो जलील हुआ है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप मुकाबले के दिन हमने जो रोस्ट सॉन्ग बनाया था अब्बू, यानी भारत, आज के वीडियो को उसी से एंड करेंगे। एंड में देखिएगा। चाचा ये क्या मांग रहे हो बकरे का? डेढ़ लाख। हैं? डेढ़ लाख? ये मंडी इस दफा बहुत चढ़ी हुई है। क्या करो, हुकूमत हम पे चढ़ी हुई है। मंडी चढ़ी है, हुकूमत इन पे चढ़ी है, ये लगता है फट्टे पे चढ़ेगा। तो इसने सोचा दुकानदार तो है नहीं, क्यों ना थोड़ा बिजनेस कर लिया जाए। मुझे तो भाई पूरा शक है, इस दुकान वाले भाई ने ये जुगाड़ इसी चक्कर में लगा रखा था कि कोई दुकान पर हादसा होने कर जाए। ऑसम। दोबारा सुनिएगा अगर समझ नहीं आई। ये चोर था जिसको पुलिस ने पकड़ लिया, और पुलिस पूछ रही है क्या करने आया था। की करना है सर, खुद खुद की करना है, करनी आए थे और नमाज पढ़ने, और यार नमाज पढ़ने आए थे। तुम्हें अगर इस मौजूदा सूरत हाल पे वजीर आजम बना दें तो सबसे पहले क्या करोगे? कम से कम भी जो ना 400 आदमी रोज मारूंगा, चाय बाद में पीऊंगा। पहले वो 400 आदमी मारूंगा मैं, वो जितने भी सरकारी वकील वजीर ये सब 400 बंदे। सुबह ही सुबह डेली नाश्ता बाद में। 47 से लेकर अब तक आधे वजीर आजम तो भाई फौज ने निपटा दिए, जो इस दौर की है ना ये निपटा देगा। डेली नाश्ता बाद में। बढ़िया। सवाल पूछूंगे, समंदर का पानी जो है ये हिलता क्यों है? ये हिलता क्यों है? क्योंकि ये खड़ा खड़ा बोर हो जाता है। पर्थसी। कोई कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं इस भाई का। फॉरेन मिनिस्टर तक को ये बात 4 घंटे बरसात देखने के बाद समझ में आती है। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर ये कुछ भी बना देते हैं। रीजनेबल रील्स हो ना तो यार बंदा सोचे कि हाँ यार, अब खड़े डंडे पे कौन चढ़ता है यार, ऐसी ऐसी रील्स बना रखी हैं। ऐसी रील बनाने वाले पाकिस्तानियों को एक जवाबी रील। वापस आ जा। कम
कमाल है भाई, कमाल है। पाकिस्तान में बिजली इलेक्ट्रिसिटी का क्या हाल चल रहा है आप सभी को पता ही होगा। बिल देखकर लोग आते में तय कर रहे हैं, तो ऐसे जुगाड़ तो चलेंगे ना, और देखो कुछ जुगाड़। मजबूरी इज मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। ये रुको एक मिनट, ठीक है। पहले एक दुकानदार का जुगाड़ देखा था ना हमने, कि कोई दुकान पर हाथ साफ न कर जाए। जुगाड़ी हाथ साफ करने वाले भी कम नहीं है। गधा जैसे गाय हमारी माता है ना, बिल्कुल वैसा दर्जा पाकिस्तान में गधे का है। अब पाकिस्तान में ये समझ में नहीं आ रहा इंसान कौन है गधा कौन। पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था, और कैसे बना था पाकिस्तान? ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। ये उस हस्ती के खानदान वाले गधे माइंड ना करते जब बेइज्जती। पाकिस्तान में इतना बंदा नहीं कमाता जितना गधा कमाता है। खुद को जो यू ऐसे तो नहीं होता है, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी। बत्तर हीरो को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं मौलवी साहब। सही कहते हैं पाकिस्तानी, मिस्टर इंडियन बैकर पर जाकर देखिएगा पब्लिक रिव्यू में, हर दूसरे दिन टैलेंट की कमी नहीं पाकिस्तान। इनको साथ खड़े करने का एक मकसद ये है। मान गए भाई, वाकई टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में। ये बड़ा टैलेंट है यार। अब द बेस्ट वन। डॉलर ऊपर, पेट्रोल ऊपर, सब्जी ऊपर, सब कुछ भाई। मंडी इस दफा बहुत चढ़ी हुई है, कुछ ऊपर चढ़ रहा है पाकिस्तान में। हुकूमत हम पे चढ़ी हुई है, बस जज्बे वाली कौम जमी पर आ रही है। इन सब में कौन सी सबसे बेस्ट लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। भारत। क्या लग रहा है कौन जीतेगा आज का मैच? अब्बू यानी भारत। बोले तो पापा। उठा दे टांगे लगा दे नीचे चक दे भारत। उठा दे टांगे लगा दे नीचे चक दे भारत। मिस्टर इंडियन ब्रेकर, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, घटिया पाकिस्तानी रील्स जो घटिया पाकिस्तान है उनकी फनी वीडियो से आपका सॉन्ग मतलब पूरा मग्न मुक्त कर देता है, बढ़िया बनाया है। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, कंग्रेचुलेशंस कहते हैं कि जो मतलब जो सॉन्ग आपने बनाया उसमें जो म्यूजिक डाला और कंपोज इस हिसाब से किया, जबरदस्त सॉन्ग था, उसके तो हम फैन हैं। क्योंकि आपने जब फर्स्ट टाइम वीडियो में डाला था तब से मजा आ गया था, जब एशिया कप था तभी तो भाई वो तो मजा था। खास करके पाकिस्तानियों का जो रील्स बनाया था बनी वाला, मतलब जज्बे से कभी मतलब हर एक सीन में पाकिस्तान कॉपी करता है। वो जो दुकान वाला जो था ना फनी, वो हमारे जो इंडियन जो है उन जो मतलब तभी टिकटॉक था उस समय ये वाले रील्स बनाई थी, सॉरी टिकटॉक के लिए, तो उस समय से चलता आ रहा, तो मतलब हर एक चीज कॉपी हो रही है। वो तो ऐसा ही करेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं, भले अपना दिमाग कॉपी से भी खुश तो है। वैसे तो बोलते कि हम इंडिया की कोई चीज लेना नहीं चाहते, भारत का नाम लेना नहीं चाहते, ये जमहूरिया मुल्क है, ये कौन सा सॉरी जमहूरिया तो पाकिस्तानी।
ये हमें मतलब हिंदू काफिरों का है, मुल्क है भारत, ये वगैरह 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 बोलते हैं। हर एक चीज तो आप भारत की यूज कर रहे हो, थोड़ी बहुत कम पड़ जाती है तो आप रील्स भी भारत का ही यूज कर रहे हो। टिकटॉक, हालांकि भारत में अब टिकटॉक नहीं है, बैन है पूरी तरह से, अब यहाँ पे नहीं चल सकता टिकटॉक, और चाइना के कोई भी एप्लीकेशन हो या कोई भी चाइना चीज हो या इंडिया में नहीं चलती, तो वो सारी चीज अब पाकिस्तान में चल रही है, तो मतलब कॉपी पेस्ट दे दना दन हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करते हैं, आपको कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। तो इस वीडियो से हम विदाई लेते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।